तो केदारनाथ की यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जय भोले, जय शंकर। आज है 2 जून और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो रखे थे 31 मई तक वो खुल चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 4 धाम के लिए। अगर आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है तो हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर सोनप्रयाग में जो कि आपका लास्ट पॉइंट होता है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का वहाँ पर आप करा सकते हो। और 4 धाम की यात्रा के लिए हरिद्वार ऋषिकेश से तो हो जाएगा, लेकिन केदारनाथ के लिए अगर लास्ट पॉइंट बचता है तो वो है सोनप्रयाग। और भाई यहाँ पर मौसम तुरंत ख़राब हो जाता, कभी बारिश हो जाती, जैसे कल बारिश आई पहले फिर ओले आए और स्नोफॉल, और आज देखो क्या मस्त धूप निकली है। अभी उधर में तो जैसे बादल हो रखे हैं बड़ी लिंचोली छोटी लिंचोली की तरफ, लेकिन बेस कैंप के पास में जो आप देख रहे हैं धूप निकली है। और जो कल स्नोफॉल इतना वो देखो एकदम, भाई ये होता है जो अगले दिन धूप निकलते ना जो पूरा पहाड़ चमकता ना, जहाँ पर ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल होती है। और भैरव बाबा के ऊपर वाले पहाड़ पे जो बर्फ़ गिरी थी वो कल की कल पिघल गई थी 1-2 घंटे के अंदर। और अब आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो ठंड से बचने के कपड़े ले आना। और अगर आपके पास जैसे छोटे बच्चे होते ना, फैमिली आती है पूरा, तो उनको भी भाई ठंडी से बचाने का कपड़ा ले आना, मोटा मोटा टोपा ले आना, ग्लव्स ले आना, जूते बढ़िया ले आना और सॉक्स वगैरह, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बारिश से बचने के लिए छात्रा रेनकोट लेके आना। बाकी थोड़ी देर में चलेंगे मंदिर के पास में, क्या अपडेट चल रहा है और आज भीड़ कैसी है, क्या होने वाला, वो सब चीज़ आपको मंदिर के पास जाने के बाद पता। और अभी केदारनाथ में मौसम फिर से ख़राब हो गया। जो बारिश आने से पहले मौसम होता ना, धूप चली जाती है, पहाड़ों में छाव हो जाती है, देखो ऊपर वैसा हो गया। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है और हम आ चुके हैं ओम के पास में। अभी जब आएंगे नीचे वापस, अभी चल रहे हैं मंदिर के पास, तो लाइन दिखाएंगे भाई क्या चला। और ये जो लगाया था ना यहाँ पर, वो लगा था कि आप बोतल रिफंड कीजिए, खाली बोतल पानी का, और बदले में 10 रुपये ले जाइए, और उस बोतल के ऊपर QR होना चाहिए। ये बंदे या ये जो कंपनियाँ हैं, ये दुकान वालों को QR दे के आ रखी है और उन बोतल पर होना चाहिए, तो यहाँ पर स्कैन होगा वो बोतल, जब आप इसको दोगे 10 रुपये मिलेंगे। फिलहाल मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई लेके आता है, या किसी बंदे ने नोटिस किया है कि ये तंबू क्यों लगा है, और इस पे जो बैनर था वो भी हटा दिया है। तो अभी चल रहे आप लोगों को ऊपर लेकर, यहाँ पर देखो, अरे वाह भाई, अभी जो मौसम हो रखा है ना, ये देखो अभी धूप निकल गया, ये बंदे क्या आराम से मस्त मार रहे हैं, आराम कर रहे एकदम। इन भाइयों के दर्शन हो गए, प्रसाद वरसाद लेके आए हैं। और इधर में किसी को टेंट लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते यार मंदिर के आसपास में टेंट मिल जाए, तो इधर में भी टेंट है, तो आप पता करना। बाकी आपसे 500-600 रुपये चार्ज करेंगे और बदले में आपको सुविधा भी इतनी कुछ खास नहीं देंगे, लाइट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम तो है नहीं, तो आपको जो सभी लोकल सभी यूज़ करते हैं, जितने भी यात्री आते हैं, जो गवर्नमेंट के बाथरूम बने हुए हैं मंदिर के आसपास में, तो वही यूज़ करने की सलाह देंगे। बाकी इधर आसपास में तो है ही नहीं बाथरूम। तो आ गए मंदिर के पास, और मंदिर के सामने देखो सीढ़ी पे पिट्ठू वाले भाई क्या मस्त ग्रुप बना के बैठे एकदम, कुछ सो रहे हैं, कुछ धूप ताप रहे हैं, कुछ अपने जो यात्री आ रखे हैं इनके साथ, मतलब ये जो जिनको लेके आए थे उनका वेट कर रहे कि कब उनके दर्शन होंगे। बाकी अभी जो मौसम और खाना, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं सुस्ता रहे एकदम, देख भीड़ ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं आज। बाकी अभी बाबा लोगों का काम चल रहा, देखो इधर में चल गया और उधर वो चल ही रहा, और कर लो भाई केदार बाबा के दर्शन। हम आपको डेली करा रहे हैं, डेली अपडेट दे रहे हैं, और आज की अपडेट तो बढ़िया ही है कि रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं जो ऑफलाइन बंद हो रखे थे। बाकी लोग जो धूप ताप रहे ना भाई, क्या गजब का धूप आ रखा है, वाह। चलो एक बार नंदी महाराज जी को देख के आते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि उनको कभी खाली ना रहने देते। वो बाबा आ गया भाई जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ फोटो खिंचवाए थे, जिन्हें चश्मा लगवा के, वो देखो बैठा, ये काफ़ी दिनों में देखा यार आज, ये जो कोने पे बैठा ना त्रिशूल लेके, ये बाबा बहुत ही फेमस था, लेकिन आज कई दिनों के बाद देखने को मिला यार। बाकी औखा ही है भाई इतनी भीड़ में फोटो खिंचवाना, वीडियो निकाल देख। अभी क्या पता है इस बाबा का जो स्वभाव ठीक हो गया, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ख़राब था यार, ऐसे ही धमका देते थे भागो भागो। और जो वो भाई कावड़ लेके आए थे ना, देखो एक यहाँ पर रखी थी, एक उधर में रखी थी जो लेके आए थे हमारे सामने, पर वो अब है नहीं,
यार ऐसी चीज़ें तो यहाँ पर रहनी चाहिए ताकि कोई और भी देखकर उनके अंदर भक्ति जागते ना कि हाँ हम भी कावड़ लेके आएंगे केदारनाथ में, तो वो चीज़ें तो होनी चाहिए। बाकी अभी चलेंगे वीआईपी दर्शन वाले के पास में, वहाँ पे क्या अपडेट चला वो भी देखेंगे। बाकी कावड़ तो रहनी चाहिए यार, यहाँ पर रखी थी रेलिंग पे, इसी को कुछ कह भी नहीं रही थी, रखी हुई अच्छी लग रही थी कि यार लोगों को दिख रहा था कि यहाँ भी कावड़ भी आ रखी केदारनाथ में। ये बाबा को देखा ना यार मेरे को। और वीआईपी दर्शन के लिए आज लोग ग्रुप बना के खड़े, देखो एक ग्रुप ये रहा इधर में सामने, देखो ये लेके जा रहे हैं ना जो पंडित जी, देखो एक ग्रुप ये रहा, मतलब पुलिस वाले भी बीच में आईटीबीपी वाले बोल लेके नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, और एक ग्रुप ये रहा सामने, कुछ ना कुछ तो चल रहा भाई। ये देख चल रहा भाई कुछ ना कुछ, ये देखो पूरा ग्रुप बना के खड़े इधर में आज तो। वीआईपी दर्शन बंद होने के बाद भी यहाँ से क्यों दर्शन होने दे रहे, यहाँ के जो पंडित जी लोग जो फैमिली को लेके आते जो जिनके पास पैसा आया उनको दक्षिणा दे देते हैं, उस पार्टी को यहाँ से घुसा देते हैं, यानी कि वीआईपी जो दर्शन होते हैं जहाँ से वहाँ से घुसा रहे। देखो जाए कितने लोग जा रहे, देखो बस ये क्या करते हैं पंडित जी को पकड़ते हैं, उसको दक्षिणा दे देते हैं और उनके दर्शन तुरंत हो जाते हैं। जो 2 से 3 घंटे लाइन में लगते हैं वो या 4 घंटे लाइन में लग लग के दर्शन होते हैं उनका क्या भाई फिर। और जगह के लिए देखो इन बाबाओं की लड़ाई हो रखी है कि नंदी महाराज के पास पहले ये खड़े हुए थे, फिर गए होंगे और फिर दूसरे आ गए, अब ये लड़ाई कर रहे हैं अपना। देखो क्योंकि नंदी महाराज की जो मूर्ति है ना वहाँ बाबा जी रहते, देखो ये लड़ रहे हैं। और इस वीआईपी द्वार से जिन लोगों के दर्शन होने चाहिए वो तो लाइन में लगते हैं, और जिनको नहीं होने चाहिए वो यहाँ आके बस पैसा दे देते हैं पंडित लोगों को और तुरंत इनके दर्शन हो जाते हैं इधर में। ये देखो फिर भीड़ आ गया उधर में, पर वो जो पंडित जी खड़े ना ऐसे ऐसे बहुत सारे पंडित जी है कि ये राक्षस में वाला देखो। और वीआईपी द्वार के सामने एक यहाँ पर मेडिकल कैंप खुला हुआ है, ये है 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड जो कि फ्री है, अगर किसी को भी लगता है कोई बीमारी ले बुखार हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बुखार आ गया जुकाम है दर्द है तो आप यहाँ से दवाई ले सकते हो। लाइन अभी ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं यहाँ से घूमते हुए, ये जो आश्रम वाला पुल है यहाँ, और फिर ये जो सामने देख रहे हो ना ये जो जेसीबी खड़ी है मशीन खड़ी है पूरा वो जो सिद्ध तक देख रहे हो वहाँ से जो पुल है, और वो देखो सामने एकदम हाट बाजार वाला रोड वहाँ तक अभी लाइन है, बाकी 2-3 घंटे में इनका नंबर आ जाएगा जो यहाँ तक आ रखे हैं, लेकिन इनका नंबर वो लोग काट रहे हैं जो वीआईपी वाले दरवाजे से घुस रहे हैं ना, जो पंडित लोग हैं वो लेके जा रहे हैं, और लोकल पुलिस भी पता नहीं कुछ कह क्यों नहीं रही है, वहाँ पर जो जवान खड़े हुए वो कुछ कह क्यों नहीं रहे, या वो किसी बड़े मंत्री या बड़े अधिकारी से उनकी बात करा देते हैं तो इसलिए उनको जाने देते हैं, क्योंकि वीआईपी दर्शन 31 मई तक बंद थे और अभी भी बंद है, क्योंकि अगर वीआईपी दर्शन होते हैं तो वहाँ पर लाइन लगती है ताकि वो जो रेलिंग से जो रास्ता होता है वो खोल दिया जाता है वीआईपी दर्शन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो घुस रहे हैं रस्सी के नीचे से रेलिंग में ऐसे ही, मतलब जबरदस्ती वाली चीज़ें, लेकिन जो पंडित लोग हैं ना वो दक्षिणा के चक्कर में घुसा रहे हैं, और जो ये लाइन में लगे हुए 3-4 घंटे से इनका नंबर वो काट रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। बाकी अभी मैं इतना ही कह सकते हैं या आपको दिखा सकते हैं जो यहाँ का वो चल रहा है ना, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे यार एक्शन। और लोग ना अजीब कमेंट करते हैं कि केदारनाथ में 1% भगत आते हैं, 99% व्लॉगर, तो ये आपके जो भगत है भाई वो देख लो आपका नंबर खा रहे हैं पैसे दे के कि चल अपना नंबर लेट आएगा, और जो पैसे दे के वो ले रहे ना दक्षिणा दे रहे पंडित जी को उनका दर्शन, ये आपके वो 99% भगत है जो इधर में कूड़ा कचरा फैला के जा रहे हैं। देखो ये व्लॉगर नहीं करने आते इधर में, जो आप कूड़ा कचरा देख रहे हो ये उन व्लॉगरों का काम नहीं, ये आपके जो 99% भगत है ना उनका काम है, अब ना करो कमेंट हो कोई। और एक चीज़ हो रहा है, अगर आप बेस कैंप के आसपास में या हेलीपैड के आसपास में जो टेंट वगैरह लेते हो
वहाँ पर आपको सुविधाएं लेने में दिक्कत हो जाएगी। वो आपसे पैसा तो ले लेंगे लेकिन बदले में सुविधाएं नहीं देंगे। हाँ, एक बार में जैसे वो आपको बोल देंगे कि आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, वो सुविधा मिलेगी, लेकिन जब उनके पास पैसा आ जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे जो हेलीपैड और बेस कैंप के आसपास में वॉशरूम बने हुए हैं, इतने सारे टेंटों के लिए एक या दो वॉशरूम बने हुए हैं, और उनमें भी यात्री जो आते हैं ट्रैक करके वो भी यूज़ करते हैं, टेंट वाले भी यूज़ करते हैं, और वो खुद भी जो दुकान वाले वो भी यूज़ करते हैं। तो आप देख लेना कि आपको किस हिसाब से जो वो सुविधाएं हैं वो मिल रही है, कितने पैसे में मिल रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, और वॉशरूम आसपास में ज़्यादा हो तो वहाँ पर टेंट लेना, क्योंकि लोग ले लेते हैं और फिर सुबह या फिर शाम को उनको फ्रेश होने में दिक्कत होती है। फिर वो कह भी देते हैं कि आपको नहाने के लिए गर्म पानी मिलेगा, लेकिन बाद में जो पैसा मिल जाता ना टेंट वालों को, वो आप फिर बाद में मुकर जाते हैं। अगर यहाँ पे आप आते हो जैसे जीएमवी वाले, ये तो आपको हर सुविधा देंगे, लेकिन ये ऑनलाइन बुक होते हैं। तो आप कोशिश करो कि जहाँ पर भी आप टेंट ले रहे हो वहाँ पर आपको सुविधाएं मिल जाए। अगर आप आश्रम के आसपास ना, तो यहाँ तो आपको सुविधाएं मिल जाएगी। देखो जीएमवी वाले मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट होते हैं, बाहर के बंदे इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो टेंट वाले एरिया है वो यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे वॉशरूम बने हुए जीएमवी वाले यहाँ भी है, और बेस कैंप के आसपास में भी, हेलीपैड के आसपास में भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको सुविधाएं किस तरीके की मिल रही है। तो ये था भाई आज का व्लॉग अपडेट। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय भोलेगी की।